खराब होना था। कौन बोला था तुमको इस रास्ते से लेने के लिए? क्यों, क्या हो गया? वो देख। क्या हुआ? ऐसी क्या खास बात है इस हवेली में जो इसके सामने आके गाड़ी बंद हो जाती है? अरे भाई हंसो मत, तुम तो यहाँ नए हो लेकिन हमने बचपन से बहुत डरावनी कहानियां सुनी इस हवेली के बारे में। मतलब? मतलब सवाल मत पूछ यार, चल यहाँ से चल, वरना इस हवेली की काली शक्ति हमें भी पकड़ लेंगी। चल यहाँ से जल्दी चल। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन सी जगह है? हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? और वो कौन था? वो कौन था ये मुझे नहीं पता, पर पिछले कुछ देर में मैं इतना समझ चुका हूँ कि उसे सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, और वो हम दोनों के साथ डरावना खेल खेल रहा है। इससे पहले वो यहाँ आए हम दोनों को बाहर निकलना होगा। हाँ लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? मिल गया बाहर निकलने का रास्ता।
केस हो सकता है। इस तरह खिड़की को देखकर क्या सोच रहे हो? ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वही सोच रही थी, और जितना मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फंस गए हम लोग यहाँ पे। हमारी तरह शायद और भी लोग इस घर में फंसे हो। मैंने कुछ आवाजें सुनी हैं। चलो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना यहाँ से बाहर निकलने के लिए। चलो ना मत, प्लीज 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 चिल्लाना मत। उस थानव को दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। जानती हूँ कौन हो तुम, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ लाया क्यों गया? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। मेरा नाम विक्रम है, और तुम्हारा? सोनाली। बेहोश थी, जब होश आया तो अपने आप को यहाँ पाया। ठीक मेरी तरह। मुझे भी बस इतना याद है कि मैं ड्रीम्स रिसॉर्ट में था जब मैंने अपना होश खोया। ड्रीम्स रिसॉर्ट? आप लोग? सोनाली, विक्रम, राधा, ये
सोनाली, विक्रम, राधा, जतिन, अजय, तुम लोगों के चेहरे का डर साफ साफ बता रहा है कि तुम लोग भी मेरी तरह इस घर में कैद हो। हाँ, पर क्यों? आज से पहले हम लोग कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है ये। हैरानी की बात तो ये भी है कि हमें आखिर एक साथ इस घर में कैद किया किसने? उसी ने जिसने हम सबको बेहोश करके इस घर में लाया। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे याद है विक्रम, तुमने कहा था कि तुम ड्रीम्स रिजॉर्ट में बेहोश हुए थे, है ना? हाँ। मैं भी वहीं बेहोश हुई थी। ड्रीम रिजॉर्ट? वहाँ तो मैं भी रुकी थी। वहाँ तो मैं भी था। मैं भी। मेरे पास एक ईमेल आया था वहाँ जाने के लिए। मेरे पास भी। और मुझे फोन आया था एक अननोन नंबर से। मेरे पास टेक्स्ट आया था लेकिन नंबर अननोन था। और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज, उसका भी नंबर अननोन था। और मेल का भी पता नहीं चला था कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि हम सबको इस घर में लाने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। हम सबको इस घर में धोखे से लाया गया किसी खास मकसद के लिए। पर कैसा मकसद? कौन कर सकता है इतनी घिनौनी हरकत? उस दानव को देखा है ना? हाँ देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। और इसीलिए मैं उस दानव के बारे में एक खास बात जानता हूँ। उसे दिखाई नहीं देता पर सुनाई देता है। और मैं भी इस घर के बारे में एक खास बात जान गई। इस घर के सारे दरवाजे अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद होते हैं कुछ देर के लिए। अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि हम सब लोग इस घर और उस दानव के बारे में बहुत कुछ जान गए और इसीलिए हम सबको एक साथ रहना होगा, तभी हम इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। रेडी? सोनाली, सोनाली बेटा, तुम यहां हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो आओ मेरे साथ। मैं निर्मला, मैं और मेरे पति इस हवेली की देखरेख करते हैं और हम लोग इसी हवेली के पिछवाड़े में एक छोटे से कमरे में रहते हैं और हम यहाँ कभी नहीं आते। जानती हो क्यों? क्योंकि इस पूरी हवेली पे काली शक्तियों का प्रभाव है। लेकिन आज जब कुछ देर पहले मेरे पति ने इस हवेली से चीखें सुनी तो वो यहाँ ये देखने के लिए चले आए कि इस हवेली में चल क्या रहा है। आपके पति वो कहाँ है अभी? पता नहीं। और वो जब काफी देर तक कमरे में लौट कर नहीं आए तो मैं ये देखने के लिए यहाँ पे चली आई कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है। लेकिन तुम कौन हो और तुम इस मनहूस हवेली में कर क्या रही हो? आजी, मेरा नाम सोनाली है और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ यहाँ चार लोग और फंसे हुए हैं और हमें से किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों और किस लिए लाए गए। बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता
कि इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है? तुम डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकालने में मदद करूंगी। वैसे तो मुझे भी इस घर के सारे रास्ते ठीक से नहीं पता, लेकिन मेरे पति हमेशा कहते हैं कि सांड के सर के मुखौटे वाला दरवाजा हमें इस घर से बाहर निकालता है। थैंक यू माँ जी, आप बस हमें इस कैद से आजाद करा दीजिए। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो दानव फिर से यहाँ वापस लौट आएगा। देखो दरवाजा खुल गया है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और बाहर जाके मेरा इंतजार करो। मैं तो तुम्हारे साथ इतनी तेज भाग नहीं पाऊंगी, मैं सही मौका देख के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जाओ। लेकिन माँ जी आपको अकेले छोड़ के जाओ, मैंने कहा ना जाओ, यही मौका है, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं बाहर आके मिलती हूँ ना। अरे जाओ ना, जाओ जाओ। जी यही वो दरवाजा होगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि जिस दरवाजे पर सांड के सर का मुखौटा होगा वहीं से हमें इस घर से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दरवाजा कोई इशारा कर रहा है, आई थिंक हमें चेक करना चाहिए, हो सकता है वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी, यही वो दरवाजा है जिससे हम इस जगह से निकल सकते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। हाँ मुझे भी लेकिन अगर हमें इस घर से निकलना है तो किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। एक काम करते हैं, पहले मैं जाता हूँ, तुम सब यहीं रहना ठीक है? क्या रहा होगा विक्रम के साथ अंदर? सही किया ना हमने जो हम अंदर नहीं गए, पता नहीं विक्रम के साथ क्या हो रहा होगा। ये विक्रम कहाँ चला गया? हो सकता है उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया, हम सबको चल के देखना चाहिए। चलो ये क्या था? एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से हम चारों लोग एक साथ आगे नहीं जा सकते, हमें एक एक करके आगे जाना। मेरा अंदाजा सही था, हमें एक एक करके ही आगे जाना है। Thank you.
दरवाजा है। राधा, सबको बाहर जाने का रास्ता मिल गया, अब तो मैं भी आजाद हो जाऊंगा। यस, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मेरी आवाज सुन के वो शैतान यहां पे ना जाए। पिताजी को ढूंढने गया था जो 15 साल पहले लापता हो गए थे। मुझे मैसेज आया था कि वो मेरे पिताजी को ढूंढने में मदद करेंगे। हमने क्या गलत किया? छोड़ दो, हमें मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज। नहीं 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 नहीं। दरवाजा तो बंद है, इसका मतलब जतन को दानव ने मार दिया है। तो फिर आप क्या करें? हम लोग यहाँ ज्यादा देर उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है, हमें निकलना होगा। चलो तस्वीरें। विश्वास नहीं होता, हत्यारे ने इतने सालों से हम पर नजर रखी हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और कौन कर रहा है? हम। आप? आपको तो मैंने ड्रीम्स रिजॉर्ट में देखा था, कौन है आप? मेरे पति। क्या करें विक्रम? बाबा आप यहां? विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम साले? ये मेरे बाबा है। ये कोई तुम्हारे बाबा बाबा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। बकवास मत करो सोनाली, ये मेरे बाबा ही है। मैं सच कह रही हूँ विक्रम। विक्रम बेटा, इस लड़की की बातों में मत आओ, मैं तुम्हारा बाबा ही हूँ, डरो मत, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। विक्रम नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये कोई तुम्हारे बाबा नहीं है, मेरी बात का यकीन करो।
ये घर की काली शक्तियां तुम्हारे साथ ही खेल खेल रही हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी मेरी माँ दिखी थी लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी, वो सिर्फ काली शक्तियों की चाल थी हमें फंसाने के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। अरे चाल तो तुम चल रही हो मेरे साथ। बाबा नहीं बेटा, मेरी आंखों में देखो, देखो सच्चाई दिख रही है या नहीं। विक्रम, सोनाली, सोनाली तुम ये क्या कर रही हो? रोको अपने आप को। मेरे बाबा ये, बाबा आई एम सॉरी विक्रम, पर सचमुच मेरा यकीन करो वो तुम्हारे बाबा नहीं थे, वो तुम्हें चोट पहुंचाने वाले थे, देखा ना तुमने। लेकिन सोनाली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये सब किया कैसे। पता नहीं अपने आप हो गया, जैसे जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई हो। विक्रम अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो भी ये खतरनाक और डरावना खेल चल रहा है ना, उसका राज का पता हमें इसी कमरे से चलेगा। एक काम करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ठीक है। विक्रम, ये पेन तो मेरे बाबा का है, लेकिन ये यहां कैसे आया? ठीक उसी तरह जिस तरह ये घड़ी यहाँ पर है। सोनाली बेटा, ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये हमारे परिवार की धरोहर है, इसमें अपार शक्ति है, जब भी तुम मुसीबत में होगी ना ये घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। ये घड़ी तो मुझे मेरी माँ ने दी थी, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पेन मेरे बाबा का है, लेकिन मेरे बाबा तो 15 साल पहले लापता हो गए थे। मुझे वो एग्जैक्ट तारीख भी याद है, 15 फरवरी 2005। 15 फरवरी 2005, इसी तारीख को तो मेरी माँ भी लापता हुई। Got it. इसका मतलब है यही वो तारीख है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। इस घर में जितने भी लोग फंसे हुए हैं या फंसे हुए थे, उनका कोई ना कोई इसी तारीख को गायब जरूर हुआ होगा। आई एम श्योर ये सारी चीजें उन्हीं की होंगी। एक तुम्हारे बाबा का पेन, दो मेरी माँ की घड़ी, और इस बक्से में तो सिर्फ 4 चीजें और हैं, कुल मिलाकर 6। हाँ तो बंगले में तो 7 लोग फंसे थे, फिर चीजें 6 क्यों? मैं, तुम, पंकज, माही, राधा, जतिन और अजय। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि हम में से एक कोई है जो इस खूनी खेल में फंसा नहीं बल्कि हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन कौन? दरवाजा किसने खोला?
बॉक्स किसने खोला और इसके अंदर की चीजें किसने ली होगी? हमने। सोनाली तुम कहाँ पर थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम जितना चालाक अपने आप को समझते हो ना अजय, उतने तुम हो नहीं। ये फोटो भी हमें इस कमरे से मिली है। अब चुपचाप असलियत बताओ कि तुम इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो। इस फोटो की तारीख के हिसाब से ये फोटो 15 साल पुरानी है और इसमें तुम्हारी उम्र उतनी ही लग रही है जितनी की अब। ये कैसे मुमकिन है? बताओ क्यों खेल रहे हो तुम हमारे साथ एक घिनौना खेल। मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें और तुम मुझे और मेरे माँ बाप को कभी नहीं मार सकते। अच्छा, तो यानी कि ये बूढ़े अंकल आंटी तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ, सब लोग लापता नहीं हुए थे। इन सब लोगों को इसने और इसके माँ बाप ने जानबूझकर अगवा किया था और फिर उन्हें मार डाला, है ना? हाँ, तूने मारा मेरे बाबा को, इन सबके माँ बाप को तूने मारा। बता क्यों किया तूने ऐसा, बोल बोल। मेरे माँ बाबा के पास काले जादू की सिद्धियां थी, लेकिन इतना उनके लिए काफी नहीं था। वो अमर होना चाहते थे। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इसके लिए उन्हें कोई तरह दानव की पूजा करनी होगी और इसके लिए उन्हें 6 लोगों की बलि चढ़ानी होगी जिनके पास अलौकिक शक्तियां हो। और वो 6 लोग हमारे माँ बाप थे, है ना? उन सबको तो मार डाला तुमने, लेकिन 15 साल बाद ड्रीम रिजॉर्ट से हम सबको घुमरा करके यहाँ क्यों लेकर आए? बोलो विक्रम। क्योंकि इन लोगों को किसी तांत्रिक ने बताया था कि 15 साल बाद उन लोगों में से किसी एक की संतान इस दानव का वध करेगी। भविष्यवाणी ये है, एक अवतार होगा जिसके पास अपार शक्ति होगी, वही अलौकिक शक्ति आज से 15 साल बाद उस वृतारा दानव का अंत करेगी और उस दानव के अंत के साथ इन लोगों का अमरता का वरदान भी छिन जाएगा। मैंने अलग अलग जरिए से तुम लोगों को ड्रीम्स रिजॉर्ट बुलाया था और बेहोश करके मैं और बाबा तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए। हमें नहीं पता था कि तुम 6 लोगों में से वो कौन है जिसमें दानव का अंत करने की शक्ति है, और ना ही दानव को पता है। उसे दिखाई नहीं देता है पर सुनाई देता है, इसलिए जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है। इसलिए मुझे और मेरे माँ बाबा को इस खेल का हिस्सा बनना पड़ा। हमें उस दानव से कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम लोगों को एक एक करके उस दानव का शिकार बनाते रहे। ताकि इससे हमें ये पता चल जाए कि वो कौन है जो दानव का वध कर सकता है। बाकी सब तो मर गए, तुम दोनों ही बचे हो और अब वक्त आ गया है ये पता लगाने का कि वो कौन है जिसके पास वो अलौकिक शक्ति है दानव का अंत करने की। और ये दानव के बिना तो मुमकिन है ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। कैसे? तुम हमें इस घर से बाहर निकालोगे? फिर विक्रम?
याद करो सोनाली, थोड़ी देर पहले तुम्हें वो शक्ति जाग चुकी है जिसके बारे में अजय हमें थोड़ी देर पहले बता रहा था। एक काम करते हैं सोनाली, मैं किसी भी तरह से उस दानव को जाकर रखता हूँ, तब तक तुम यहीं रहो और अपनी अंतरात्मा से बात करने की कोशिश करो। अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ सोनाली, उसे और तीव्र करो। लेकिन विक्रम। नहीं सोनाली, तुम्हें यह करना ही होगा। अब यही एक रास्ता है उस दानव का अंत करने का। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। माँ तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। कैसे आ गई सोनाली? माँ पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ आपके साथ हमारे पुराने घर में? तुम भूल गई, मैंने कहा था ना ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। जब भी तुम मुश्किल में होगी तब ये घड़ी तुम्हारी मदद करेगी, इसलिए तुम अपने वर्तमान से सन 2000 में अभी मेरे साथ खड़ी हो। माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं सब जानती हूँ, तुम उस दानव के बारे में बात करने आई हो ना? हाँ, माँ मुझे बस इतना बता दीजिए कि उस दानव का अंत कैसे किया जा सकता है। मैं अपने आप को और अपने साथियों को 15 साल पहले उस दानव से नहीं बचा पाई, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सोनाली बेटा। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। करने के बाद भी कुछ नहीं हासिल होगा तुम, क्योंकि जिसकी हत्या तुम्हें करनी थी तुमने की ही नहीं। तांत्रिक ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही थी, तुम्हारा अंत होगा मेरे ही हाथों से। बेटा, ये घड़ी ही उस दानव का अंत करेगी।